अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हसन रिएक्ट्स। जी गाइस, आज मैं आपको अपना क्रिकेट क्लब दिखाऊंगा जहां पे मैं खेलता था क्रिकेट। और मैंने कहा यार आज मैं आपको अपना क्लब शो करवाता हूं। ये ग्राउंड है, यहां पे एलसीसी ग्राउंड गया तो देखे हैं, पीछे मैच हो रहा है और पीछे मैच हो रहा है। तो मैंने कहा यार आज आपको शो करता हूँ अपना क्रिकेट क्लब। और ये मेरा क्रिकेट क्लब है, यहाँ पे मैं खेलता होता था। पीएनटी जिम खाना है इसको कहते हैं, अजहर जैदी का क्लब है। सो कुछ यादें हैं तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चले आए आपको दिखाता हूँ। ये है ट्रफ विकेट, यहाँ पे जो है ना मैं खेलता होता था। यहाँ पे मैं खेलता था, ट्रॉफिकेट है, ये देख सकते हैं आप। ये ट्रॉफिकेट दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी हालत थोड़ी ख़राब हुई हुई लेकिन जब मैं खेलता था तो इतनी ख़राब नहीं थी। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन घर के पास ही एक ग्राउंड, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सो ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये इसलिए होती है कि बॉल बाहर ना जाए, इस वजह से लगाई होती। देखते हैं अब मैच हो रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का फ्रेंडली मैच हो रहा है क्लब्स के दरमियान। सो ये लोग कह रहे हैं भाई से बात करते हैं, भाई क्या कह रहे हैं। सामिक भाई, भाई कितना स्कोर रह गया? तो कितना रन हुए हैं उनके? कितने रन हो गए उनके? 60? और ओवर्स कितने हैं? कितने ओवर्स का मैच है? 13। 35 ओवर्स में सही। बेस्ट ऑफ लक जी। तो ये है अब्दुल कादिर एकेडमी है ये। यहाँ पे अब्दुल कादिर जो है आतिथ्य थे, अब वो अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब फरमाए, बहुत हो गए हैं। लेकिन ये उनका क्लब था और अभी भी नहीं कही है मेरे ख्याल से। और इसके अलावा वो शाइनिंग क्रिकेट क्लब है, वो सामने आप देख सकते हैं, वो शाइनिंग क्रिकेट क्लब है। और ये अजहर जैदी का क्लब है, यहाँ पे मैं खेलता होता था। सो बॉल आई है, चलें बॉल फेंक देते हैं। जी तो ये मैंने बॉल फेंक दी है। सो गाइस मैं सारा कुछ यार। जी गाइज, मैं इस टाइम खड़ा हूँ बाबर आजम के क्लब में, यूसलीम है, यूसलीम क्रिकेट क्लब है। और ये देख सकते हैं आप, ये उन्होंने बंद किया हुआ है। और विकेट्स चेक करें, और मैंने आपको पीएनटी की विकेट दिखाई थी, और आप ये चेक करें ज़रा, कमाल की विकेट्स हैं यार। ये देखें आप क्या विकेट्स हैं। कमाल है यार, कमाल है। मतलब यहाँ पे बाबर आजम, आप उनकी शॉर्ट्स देखें और आप देखते हैं, आप कहते हैं यार शॉर्ट्स बड़ी आउट क्लास शॉर्ट्स होती हैं, और क्या कमाल का खेलता बंदा। तो भाई इसकी विकेट चेक करें जहाँ पे वो खेलता है। तो ये बाकी यहाँ पे एक भाई हैं, आप उस्मान, आपका नाम उस्मान है, यूसलीम में।
तो बाबर आजम के बारे में आप कुछ बताएंगे कि कैसे हैं, अच्छे हैं क्या, मतलब जब आते हैं तो आपको कुछ टिप्स वगैरह देते हैं, बताते हैं कुछ? जी बहुत अच्छे हैं वो, आते हैं लेकिन अपने काम से काम रहते हैं, इतना किसी को मतलब ज़्यादा बेहतर ही होगा, बहुत अच्छा है। तो कुछ कभी नहीं बताया कुछ? नहीं, उनसे सलाम दुआ होती है बस। अच्छा, क्या क्या कहते हैं, मतलब सलाम दुआ ही होती है बस, और कुछ नहीं कभी का? अच्छा, तो आपकी आप क्या बैटिंग करते हैं, आप लेफ्ट ही हैं राइट ही हैं? मैं राइट हैंड बैट्समैन। राइट हैंड, और बॉलिंग वगैरह करते हैं? लेग स्पिनर। अच्छा, लेग स्पिनर है, माशाल्लाह यार। और आगे के चांसेस क्या हैं, अंडर 19 या आप क्या एज क्या? जी मेरी 16 है। 16 एज है, तो आगे जाने का क्या मतलब कोई प्लानिंग वगैरह कुछ आगे? जी इंशाल्लाह अभी इस साल ट्रायल हुए हैं लेकिन नाम नहीं है, सेलेक्ट नहीं हो सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पूरी कोशिश। अच्छा, और इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मैं पढ़ता हूँ, मैट्रिक हो गया माशाल्लाह। मैट्रिक हो गए, फर्स्ट ईयर में जाना है माशाल्लाह यार। स्टडी भी साथ साथ रखनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिकेट में खुदा ना खास्ता कुछ नहीं भी होता तो चलो यार, आपको आपको पता होगा आपका स्टडी तो है ना। और थैंक यू यार हाफिज़ उस्मान, ठीक है ना, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे यार, मेरी तो दुआ है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। चलो थैंक यू, सारा कुछ दे हाफिज़ उस्मान। यहाँ पे बड़े टैलेंटेड लोग खेलते हैं, यूस्लिम क्रिकेट क्लब में तो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं। मैंने जब मैं एक दफ़ा आया था यूस्लिम में, मैं किसी के रेफरेंस से ना आके मैं ट्रायल दिया था किसी को, तो तब मुझे नहीं पता था कि यूस्लिम में कैसे बॉलर्स होंगे, लेकिन यार यकीन मानो मैंने जब इधर ट्रायल दिया और मैंने आगे प्रैक्टिस की अपना दिखाया खेल के, तो पहले ही बाउंसर मुझे पड़ा और ऊपर से गुजर गया मैं, कि यार मैंने कहा यार क्या बॉलर खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अंडर 19 का मैं ट्रायल देने आया हूँ, मतलब बहुत ही अच्छे बॉलर आते हैं ना ट्रायल्स वगैरह में, अंडर 19 वगैरह पे। तो मैंने जो PNT में खेले हुए थे बॉलर्स के साथ खेला हुआ था, मुझे आदत थी, मुझे पता था यार कौन कौन बॉलर आएगा, कौन बॉलिंग करवाएगा, तो इधर तो बिल्कुल भी ना पता ही नहीं था कि यार मैं किसके अगेंस्ट खेलने वाला हूँ, किन लोगों के दरमियान खेल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे बॉलर्स हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और अभी भी मैं सुबह के टाइम आया हूँ और मैं इंशाल्लाह मैं शाम के टाइम भी किसी दिन आऊँगा और मैं आपको बॉलर्स दिखाऊँगा यूस्लिम के, बहुत ही अच्छे बॉलर्स होते हैं। सो अभी मैंने आपको दिखाया हाफिज़ उस्मान, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है यार, ये आपने इसकी बातें सुनी और बहुत अच्छा खेलता है और पढ़ भी रहा है और ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है, और इंशाल्लाह ताला आगे ज़रूर जाएगा यार, जाना भी चाहिए। इसलिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।